बहुत धन्यवाद सभी साथी का। जैसा कि मैं कल बोला था तो आज मैं गांधी मैदान में आ गया हूँ जहाँ लालू यादव आने वाले हैं, उनका सारा बाल पुत्रू सब आने वाला है। तो फील्ड में भीड़ है, अभी बज रहा है 12:20 हो रहा है और इतना ज्यादा गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी है और लोग यहाँ पे अभी उतना नहीं आए हैं लेकिन आ रहे हैं। बाकी मैं वहाँ जाता हूँ बताता हूँ। तो अभी आपको खाली दिख रहा है, ये जब वो आने वाले होंगे तो एक घंटा पहले ये इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है कि एक तो पहले से इतना ज्यादा गर्मी है, ऊपर से और ज्यादा गर्मी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, मैं तो अभी यही हूँ, देखता हूँ। अभी यहाँ पानी से ये रहा है, गीला किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर आएगा इस वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ता है, इस वजह से पानी से इसको गीला कर दिया जाता है ताकि धूल ना उड़े। और बाकी बच्चों को देखिए रहे नहा रहा है सब। अभी थोड़ा भीड़ उड़ेगा, बाकी वहाँ पेड़ के पास आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ इतना ठंड था इस वजह से ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब वो आएंगे तो एक घंटा मैं पहले चला जाऊंगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ घर अपने। जैसा कि मैं बोला था, मैं घर से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ फील्ड में ब्लॉग बनाने। अपना हथियार ले लिया हूँ, गमछी। जैसा कि मैं बोला था, मैं फिर से आ गया हूँ गांधी मैदान में और गर्मी पहले 50 डिग्री सेल्सियस था पर अब और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है। मैं अभी आपको भीड़ दिखाता हूँ और बाकी आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा और शायद मेरा आवाज ना जाए तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी हम आपको दिखाते हैं भीड़ और वो जब आएंगे वो भी आपको दिख जाएगा। सब बेटा के सपोर्टर है, यहाँ क्या करना है? हाँ, बीजेपी के सपोर्टर है। तो गाइस जिसका सब इंतजार कर रहा था ऊपर मंडरा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। Yes.
हेलीकॉप्टर से अपना उतरा, धूल से भर गया। छोड़िए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक आया हुआ है लड़का जो रुको कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, लड़का आया हुआ है उससे ही काची का सपोर्टर है, काची का सपोर्टर है। अरे बोलो काची का हेलीकॉप्टर देखने आया था, हेलीकॉप्टर देखने आया था गाइस, हेलीकॉप्टर देखने आया था, हेलीकॉप्टर देखने आया था गाइस, उसको हेलीकॉप्टर खरीद कर देना मिलता है, मिलता है ठीक है, तो जाओ घर हेलीकॉप्टर देख लिया चिराग को आसमान के वेट करो चिराग को आसमान के ओकरे वाला उधार मांग के लिया लिखा हो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। चाहते हैं 51 नॉट आउट का स्कोर है इस बार, इतनी रैलियां अकेले बिहार से हुई है, इतनी रैलियां अकेले बिहार से हम लोगों ने की है मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए, और इसीलिए आप ये जो आपका जोश हम देख रहे हैं, ये आपका जुनून दिख रहा है, इस जुनून को 1 तारीख को ईवीएम में इस तरह से बटन दबाइए, इस तरह से बटन दबाइए लालटेन छाप पर, ताकि विशाल जी यहाँ से सांसद बन जाए और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। भाई साहब ये चुनाव पूरे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए से सरकार बनाइए और मोदी जी को 10 साल इनके बोलने के पहले मैं कहूंगा कि आप चारों नेता खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए आप भाई, हो गया भाई लड़का के राजमंत्री का बेटा
उसको जेल में भेजेंगे, बालिका गृह वाले को जेल में भेजेंगे, सृजन घोटाले वाले को जेल में भेजेंगे, नोटबंदी में घोटाला हुआ, वैक्सीन घोटाला कारण हुआ, जितना था ये बीजेपी में गया, अब उसका केस मुकदमा खत्म। अरे मोदी जी, जब तारा गुनवर मारी जी का मैं बाबू जी गिरफ्तार कर ले तो लालू जी के लाइक डर जाए। अरे डरे वाला है, बिहारी है बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी है, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा वाला जानत है, गुजराती लोग से हम लोग डरा वाले बनी है। हमारे भगवान ने कितना जेब में भाई, और हमने क्या तू आके के डरावत कर रहा। हम लोग जब बोलना शुरू करेंगे तो कहाँ जाइएगा पता नहीं चलेगा। खैर हम इन सबका तेजस्वी के जेल भेज देंगे तो डरा जाएगा। खैर आपको क्या, किसका भी हो, कोई करे क्या करे, हम आरक्षण संविधान बचाने के लिए जो कुर्बानी होगा तेजस्वी देगा, इन लोगों से डरते नहीं है। तो सुनो, हम लोगों का सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौजवान को सरकारी नौकरी पूरे देश में देंगे। अगली वीडियो का खत्म किया जाएगा, पहला जैसे बाली होता था वैसे ही बाली हम लोग सेना में कराने का काम करेंगे। और गरीब अपनी बहनों को बता दीजिएगा रिजल्ट कैसे है। Thank you.